अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए हैं मुंबई के बेस्ट टीचर्स, जिनकी बेस्ट कोचिंग से JEE क्लासेस में पिछले 2 सालों से लगातार दर्जनों बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। साथ ही JEE क्लासेस का मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भरपूर सपोर्ट करता है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की झंझट से दूर JEE क्लासेस। नीट और JEE की कोचिंग के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिए JEE क्लासेस एट अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, नियर श्री देवी ज्वेलर्स, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। दोस्तों, भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने आज विधानसभा में चल रहे मॉनसून सेशन में भिवंडी के DP प्लान का मुद्दा उठाया, जहां MLA साहब ने शहर के डेवलपमेंट को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले जो DP प्लान बना था उसका अब तक केवल 7% ही इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसी तरह इस बार भी DP प्लान सिर्फ पेपर पर ही नजर आएगा। MLA रईस शेख ने इसकी मांग की है कि DP प्लान मुंबई के एक कोर कमेटी द्वारा बनाया जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा MLA रईस शेख ने। अध्यक्ष महोदय, योगेश सागर जी ने जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करूंगा कि आज MRTP आप अमेंड कर रहे हो और भिवंडी शहर का DP प्लान बन रहा है, और मैं लकी ये हूं कि मुंबई का जब DP प्लान बना तब मैं मुंबई महानगर पालिका में था। सर पिछला हाँ बिल्कुल कमेटी मेंबर था। पिछला DP प्लान जो भिवंडी का बना उसका इम्प्लीमेंटेशन 20 साल में 7% हुआ है, 7%। मैं ऐसे क्षेत्रों को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं जहां पे एक भी गार्डन नहीं, जहां पे केंद्र शासन ने हॉस्पिटल तो सैंक्शन किया लेकिन रिजर्वेशन नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो छोटे शहर है, आप भी छोटे शहर से आते हो, जब मुंबई महानगर पालिका का DP बना तब मुंबई महानगर पालिका ने 72 अर्बन प्लानर को इंप्लॉय किया था। अजय मेहता साहब हमारे आयुक्त थे, तो मुंबई महानगर पालिका पे ये जिम्मेदारी दी गई थी। सन्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे कि आप लोग सबसे बड़ी महानगर पालिका हो, आपने इतने सारे अर्बन प्लानर रिक्रूट किए हैं, अब आप एक इंस्टीट्यूट बनाओ जो इंस्टीट्यूट छोटे DP बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, 28 साल यहां पर मैं चिल्लाता रहा, सन्मान्य आदित्य ठाकरे जी को कहता रहा कि अब भिवंडी का जो DP प्लान है, आपके पास प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है मुंबई महानगर पालिका में, आपके पास 4 एकड़ जमीन है उनसे बनवाओ, लेकिन नहीं बनाया गया। आज भिवंडी का जो DP प्लान बन रहा है केंद्र शासन की UD डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के विपरीत बन रहा है। DP बनाने के पहले आपको मोबिलिटी प्लान बनाना है ताकि शहर का ट्रैफिक अच्छा रहे। आज भिवंडी महानगर पालिका ने कोई मोबिलिटी प्लान नहीं बनाया, और मुझे बोलते हुए अफसोस होता है, DP प्लान बनाते हुए पैसा दे के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में पैसा दे के ADDP आते हैं और हफ्ता बांधा जाता है छोटे शहरों में कि तुम DP बनाओ और इतना पैसा दो, और आज वो भिवंडी में हो रहा है। ये आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है, जैसे योगेश सागर जी ने कहा ना, DP सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, DP प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट करना है। 7% DP इंप्लीमेंट होता है भिवंडी में 20 साल में। आज आपने अमेंडमेंट क्या किया कि ड्राफ्ट का जो है पीरियड बढ़ाओ, बड़े विषय है DP के, शहर का पूरा डेवलपमेंट DP के ऊपर होता है। आप सन्मान्य मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, भिवंडी शहर को एक एग्जाम्पल बनाइए, दीजिए अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट को DP बनाने के लिए। आज हमारा हालत क्या है, भिवंडी का DP प्लान अलग, भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया का DP प्लान अलग, और भिवंडी MMR रीजन का प्लान अलग। इससे बड़ा गोल क्या हो सकता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भिवंडी शहर को उसके डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं मिल रहा। आज बताइए 11 लाख पॉपुलेशन में गार्डन कितने, 2, हॉस्पिटल कितना, 1, जिसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, डिस्पेंसरीज कितनी, 11, कब्रिस्तान कितने, आज हमको जबरदस्ती फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जाकर कब्रिस्तान बना के दफन करना पड़ रहा है क्योंकि DP प्लान बराबर नहीं बना। आप खाली ये एक्सटेंशन से नहीं चलेगा सर, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा विषय है। आज समृद्धि मार्ग आपने बनाया, जब समृद्धि मार्ग बना, सन्मान्य मुख्यमंत्री थे उप मुख्यमंत्री जी, कहा गया कि आजू बाजू में 14 शहर बनेंगे, 14 शहर का DP प्लान बनेगा, कौन बनाएगा, मुंबई का अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट। कहां है, कोई लिंक नहीं। समृद्धि मार्ग बन गया, वो सारी स्पेस एक्वायर होके पड़ी है, अभी तक DP प्लान नहीं बना। कोस्टल रोड बन रहा है, आशीष शेलर जी, कोस्टल रोड में कितनी लैंड रिक्लेम हुई, क्या बात हुई थी कि वहां पे हम अर्बन प्लानिंग करेंगे, लोगों को गार्डन देखेंगे। मुंबई को सपना दिखाया गया था कि सिंगापुर बनेगी मुंबई, क्या हुआ वो ओपन स्पेस का, कुछ नहीं मालूम। कहां पर पार्किंग बन रही, कुछ नहीं मालूम।
कोस्टल रोड का खाली टेंडर है, मुंबई को आपको इतनी सारी कितनी लैंड रिक्लेम किया आपने और कितने पे कोस्टल रोड बना बताइए। आज भी 30% लैंड के ऊपर पब्लिक यूटिलिटी बनना है, लेकिन डीपी को कुछ ख्याल नहीं है। मुंबई का यह हाल है आशीष शेलार जी, आपके क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक पैराग्राफ अमेंड करने से महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा, आपको इसके अंदर होलिस्टिकली एक कमेटी बिठानी चाहिए। मैं उदय सावंत जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, है झा साहब हमारे एक्स म्यूनिसिपल कमिश्नर, है अजय मेहता साहब, कुंटे साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र के बड़े बड़े डीपी बनाया, इन विषयों पे कमेटी बनाइए। महाराष्ट्र का विकास आपको देखना है ना, आप डीपी के थ्रू कर सकते, डेवलपमेंट प्लान के थ्रू कर सकते, पैसे की जरूरत नहीं उसके लिए, उसके लिए आप टीडीआर देके डेवलप कर सकते। अध्यक्ष महोदय ये गंभीर विषय, इस पर सम्मान्य मंत्री महोदय उत्तर दे, ये मेरा निवेदन रहेगा। थैंक यू।